हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुनमुन की रसोई। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा, गारंटी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप मलाई वाला दूध और आधा कप यहाँ पे ले लिया है मैंने चीनी, 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पर डाल सकते हैं कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, और तब तक गाढ़ा करेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए, मतलब तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। चलिए आइए क्रंच बनाते हैं। क्रंच बनाने के लिए 1 कप यानी कि आधा कप मैंने यहाँ पे चीनी लिया है और प्लेट को ग्रीस कर लेंगे। चीनी जैसे ही मेल्ट होने लगे, बस देख सकते हैं आप कैसे मेल्ट हो गई है, बस यहाँ पर मैंने कुछ बादाम कट करके रखा है उसको डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे बटर, क्योंकि बटर स्कॉच आइसक्रीम बना रहे हैं ना। तो उसके बाद बस ये तुरंत ही हम गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे और इसको प्लेट पे फैला देंगे और इसको सूखने तक हम रख देते हैं जब तक कि अच्छे से सूख ना जाए। जैसे सूख जाएगा देख सकते हैं आप, बहुत आसानी से निकल जाता है। इसको तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद आप इसको मिक्सी में मत ग्राइंड करिएगा। यहाँ पर मैंने खलबट्टे का यूज़ किया हुआ है, इसमें ही हम इसको क्रश करेंगे। इससे ये हमें दरदरे से मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। बस इस तरह से हमें इसको बना लेना है। और ये देखिए मैंने 1 कप यहाँ पे प्योर मलाई ली है, यानी कि 2 दिन की फ्रेश मलाई थी, मैंने इसको लिया है। और इसको छान लेंगे और मैं आपको दिखाऊँ ये कितना स्मूथ हो गया, लग रहा है ना मार्केट से आया। बस थोड़ा सा ही इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा करने के बाद इसमें हम डालेंगे चीनी पिसी हुई 2 चम्मच और बटर स्कॉच एसेंस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जिससे बटर स्कॉच का टेस्ट आएगा। बस उसके बाद यहाँ पे जो हमने रखा था बटर उसको डालेंगे और पिंच भर मैंने यहाँ पे डाला है फूड कलर येलो, जिससे ये अच्छा येलो कलर आएगा, क्योंकि ये बटर स्कॉच येलो कलर का होता है इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है, आप देख सकते हैं। बस ये मिक्स हो गया है, उसके बाद हम अपना क्रंच डालेंगे और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ लग रहा है ना, कि जैसे हमने उसको मार्केट से लाए हो, देख सकते हैं क्रीम। तो आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए इसको रख देते हैं डीप फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए, या आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। बस ऊपर से मैंने लगा दिया है और यहाँ पर लगा दिया मैंने फ्रेशर रैप, और बहुत ही टेस्टी बना था। आप अपने घर में इसको कब ट्राई कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए रखते हैं डीप फ्रीज़र में और 7 से 8 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊं कि ये कितना अच्छे से जम चुका है। लुक एट दिस गाइस। बस चलिए आइए निकाल लेते हैं। निकालने में भी इसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत आराम से ये निकल आ रहा है, तो देख सकते हैं आप। तो वीडियो आपको आज का कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ट्राई ज़रूर करें इस रेसिपी को। थैंक यू सो मच।